बिहार के आरा जिले के नवादा थाना इलाके में आज सुबह सुबह करीब 5 बजे आरा नगर निगम के डिप्टी मेयर बसंत सिंह को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। बसंत सिंह अपने निजी आवास से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस घटना में बसंत गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीछे से वो मोटरसाइकिल आया, जिस पर 2 आदमी सवार थे, और आते आते हमारे बगल में करीब 2 हाथ पर गोली मारा। गोली मारने के उपरांत हमको लगा कि कहीं अगल बगल टायर फटा है, तब भी हमको यकीन नहीं था कि हमको गोली मारा गया है। जब दर्द होने लगा और ब्लड गिरने लगा, तब हमको लगा कि हमको गोली लग गया। तो आरा में डिप्टी मेयर पर हमले की घटना के बाद कानून व्यवस्था के सवाल पर जेडीयू नेता कहना है कि बिहार में और राज्यों की तुलना में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। हमला किया होगा, वो लोग बक्से नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। वहाँ घटनाएं तो अब सही है कि कोई भी एक छोटी भी घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, लेते भी हैं हम लोग, लेकिन एकदम क्राइम फ्री तो सोसाइटी हो जाएगा इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। तसव्वुर ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए मशक्कत जारी है। न सिर्फ धरपकड़ होती है उनकी, बल्कि उनका ट्रायल भी होता है, उनको सजा भी होती है। वो सारा रिकॉर्ड इस देश के किसी राज्य से बहुत अच्छा है।